अक्टूबर का आधा महीना खत्म हो गया है, अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। जैसे जैसे तारीख बढ़ रही है, वैसे वैसे एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के तलाक का समय नजदीक आ रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की तलाक वाले केस की सुनवाई 26 अक्टूबर 2023 को होनी तय हुई। आलोक मौर्य की हाजिरी माफी की वजह से 22 सितंबर को होने वाली उनकी तलाक की सुनवाई टल गई थी। ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य से तलाक लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप के साथ कई और आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में भी फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है। हालांकि आलोक मौर्य का कहना है कि वो अपनी दोनों बेटियों की वजह से फिर से ज्योति मौर्य के साथ रहने को तैयार है। एसडीएम ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने कई संगीन आरोप लगाए थे। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि उनका होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों मिलकर उन्हें मरवाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। आलोक ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के पास आय से अधिक संपत्ति है। हालांकि आलोक ने अपनी शिकायतों को वापस ले लिया है। वहीं एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ अवैध संबंधों को लेकर खबरों में रहे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। महुआ के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ दर्ज केस में भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिसके बाद से अब इस केस को भी खत्म ही समझा जा रहा है। अब माना जा रहा है कि ज्योति और आलोक का तलाक होते ही मनीष दुबे और ज्योति मौर्य अपनी एक अलग जिंदगी शुरू कर सकते हैं। 26 अक्टूबर तक का इंतजार मनीष को करना होगा। इसी तारीख को कोर्ट में साफ हो जाएगा कि ज्योति अपने पति आलोक को एक और मौका देती हैं या फिर मनीष के साथ नई जिंदगी शुरू करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया डिजिटल।